हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोकाइनेटिक की सीरीज और यहाँ पे जो हमारा ये लेक्चर 4 है और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपना मेटाबॉलिज्म। जानकि हम इसमें एब्जॉर्प्शन देख चुके थे, डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके थे, आज हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने यहां अब तक देखा कि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था कि हमारा जो ड्रग है वो हमारा डायरेक्टली ब्लड के अंदर पहुंच रहा था और देन ये ब्लड के अंदर वाला ड्रग हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था और इसी प्रोसेस को हम यहाँ एब्जॉर्प्शन बोलते थे और इसको हम बोलते थे डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने यहां पर देखा कि जो हमारा ड्रग था वो हमारा फाइनली मतलब सर्कुलेट हो गया, हमारे सेल्स के पास पहुंच गया, वहां जाने के बाद वो हमारे रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और देन वो जो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, ये हमने हो गया। लेकिन एक्चुअल में अब यहां पर मतलब हमारे ड्रग का काम तो कंप्लीट हो गया, अब उस ड्रग का हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे एक समझते हैं कि आप लोग क्या गए, मतलब आप लोगों को भूख लगी, सुबह उठे और आप लोगों ने जो खाना खा लिया, मतलब आपने मॉर्निंग में खाना खाया, देन आपने क्या किया दोपहर में खाना खाया, देन आपने क्या किया लंच में भी वो खाना खा लिया, ठीक है, तीन बार मतलब डिनर में, सॉरी मतलब आपने तीनों टाइम का खाना खा लिया, देन आप सो गए अच्छे से उठ के, शाम को आपने एक गिलास दूध भी पी लिया। अब आप सुबह उठे और आप जो है फ्रेश नहीं हो पाए, मतलब आपका पेट खाली नहीं हो पाया, तो आपको कैसा लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा अजीब लगेगा, अनकंफर्टेबल फील होगा। देन चलो एक टाइम का हो गया, फिर आप दोपहर में गए, दोपहर में भी आपका पेट नहीं खाली हुआ लेकिन भूख तो लगेगी, आपने और ज्यादा खाना खा लिया, देन आपने और खाना खा लिया, तो इस तरह से क्या होगा, आप देखोगे आपका पेट लगभग जो है पूरा पूरा भर चुका होगा और आपको जो है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा और आपको मतलब इससे इरिटेशन भी होगी, बाकी आपका मन भी खराब हो जाएगा, मतलब तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, आपको सिक भी हो सकते हो, बीमार भी हो सकते हो। तो ये हमारी जो कंडीशन थी ये हमारी वैसे कॉन्स्टिपेशन वाली थी। तो इसमें आपने ये जाना कि अगर आपकी बॉडी में कोई चीज गई है और अगर वो बॉडी से हमारे बाहर ना निकले तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत ज्यादा इससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही हमारा प्रोसेस है कि अगर हमने मतलब खाना खाया तो खाने का जो वेस्टेज है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसी तरह से सेम जो हमारी बॉडी में ड्रग गया, ड्रग जाने के बाद रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ और उसने अपना जो असर दे दिया, उसके बाद उस ड्रग का हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी प्रोसेस को जो हमारा ड्रग है इस प्रोसेस से हमारा बॉडी से बाहर निकलना, इसी को हम क्या बोलते हैं एलिमिनेशन। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, हमको लगता है कि ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, क्योंकि एलिमिनेट मतलब बहुत सारे फैक्टर होते हैं, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसी एलिमिनेशन को अंजाम देने के लिए हमारी यहां प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या करती है, किसी भी ड्रग को एलिमिनेशन होने के लिए यानी कि उसको ऐसे तैयार करती है कि वो हमारी बॉडी से इजी तरीके से बाहर होता है। अब इसका फिनोमेना क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको हम समझते हैं कि हमने एक चीज जानी थी कि हमारी बॉडी में जो मोस्टली मतलब लेयर या फिर सेल मेम्ब्रेन कुछ भी होती है, हमारी लाइपोफिलिक नेचर की होती है। ये चीज हमने जानी, ये हमारी किसकी होती है, लाइपोफिलिक नेचर की होती है। और ये हमारी इसीलिए जो हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग होते हैं वो हमारे ड्रग किस नेचर के होते हैं, लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, यानी कि लिपिड सॉल्युबल नेचर के होते हैं। तो जो लिपिड सॉल्युबल नेचर के हमारे ड्रग होते हैं वही हमारे इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और हमारे जो ड्रग है वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये हमारा पूरे के पूरे ब्लड में पहुंच गया लाइपोफिलिक नेचर का ड्रग, अब ये हमारा देन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया अच्छे से। अब बारी आती है उसकी निकलने की, एक्सक्रीशन की। तो एक्सक्रीशन में हम जानते हैं हमारी क्या फॉर्म में काम आता है, जो हमारा एक्सक्रीशन होता है वो हमारा किडनी के थ्रू होता है और किडनी में हमारी होता है यूरिन, यानी कि यूरिनेशन फॉर्म होती है, यूरिनेशन प्रोसेस से, और उसके द्वारा हमारी जो यूरिन होगी हमारी बॉडी से बाहर होती है और वही हमारी जो है हमारे बॉडी के जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं और जितनी भी मतलब वेस्टेज सारा कुछ है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालता है, हार्मफुल चीज़ों को बाहर निकालता है। तो ये इसका काम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे, तो जो हमारा लाइपोफिलिक नेचर का ड्रग है वो हमारा किस नेचर का होता है, लिपिड सॉल्युबल। और जब ये हमारे यहाँ किडनी के पास पहुंचता है तो किडनी तो हमारी यूरिन होती है और यूरिन हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल ड्रग को ही सिर्फ अलाउ करता है बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, वाटर सॉल्युबल नेचर की होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा ये ड्रग है लाइपोफिलिक नेचर का, ये हमारा क्या हो जाता है, किडनी के सारे अगेन हमारा रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस में जाके हमारी बॉडी में फिर से घूमने लगता है। और यही हमारे लिए सबसे डेंजरस काम हो जाता है कि अगर हमारा वो ड्रग है अगेन हमारी बॉडी में आ गया, अगेन हमें फिर वही सारे एक्शन शो करने लगेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इरिटेशन कॉज होंगे और कई बार इससे जो है हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से हमारा ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो ड्रग है बाहर निकले। और अगर हम यहाँ पे एक और कंडीशन देखें तो कुछ हमारे ऐसा तो नहीं हम सारे के सारे लाइपोफिलिक नेचर के ड्रग लेते हैं, कुछ हमारे हाइड्रोफिलिक नेचर के भी ड्रग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये हमारा एक ड्रग है जो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। तो ये वाले जो ड्रग होते हैं ये हमारे इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेचर क्या है, यूरिन का मतलब वाटर सॉल्युबल है और ये भी हमारे क्या है, वाटर सॉल्युबल है, तो ये हमारे इजी तरीके से हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो ये टर्म हमने यहाँ पे देख लिया, लेकिन अब हमको ये भी तो बाहर निकालना है क्योंकि भाई नुकसान तो इसके भी हो सकते हैं। तो बस यही फिनोमेना है कि इस वाले जो लाइपोफिलिक ड्रग है, इस लाइपोफिलिक ड्रग को इस हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा सिंपल फिनोमेना है कि इस लाइपोफिलिक ड्रग को हम हाइड्रोफिलिक ड्रग में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हमारा होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से। और इसके द्वारा क्या होगा कि जैसे ही हमारा ये ड्रग इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे जो वाले ये ड्रग है ये तो हमारे इजीली एक्सक्रीट आउट हो ही जाते हैं, तो हमारे ये सिंपल फिर हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएंगे और हमारी बॉडी का जो ड्रग होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा।
अब ये हमारी मेटाबॉलिज्म हो कैसे रही है इसको हम जानते हैं। उससे पहले आप ये टर्म समझ लो कि जो वाटर सॉल्युबल नेचर के ड्रग होते हैं इनको हम बोलते हैं कि इनकी पोलैरिटी हाई है और ये हमारे पोलर नेचर के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आपको जितना जानना है कि जो जितना ज्यादा वाटर सॉल्युबल नेचर का होगा उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा हाई होगी, और इन्हीं ड्रग को हम जो है हाइड्रोफिलिक भी बोलते हैं। वैसे ये बेसिक टर्म है लेकिन आपको जो है ये वर्ड भूलने नहीं है कि कहीं पर अगर हाइड्रोफिलिक यूज होता है वाटर सॉल्युबल या फिर पोलैरिटी इंक्रीज वाला, तो आपको ये टर्म जो है सेम ही समझने हैं। और ये तीनों टर्म हमारे क्या होंगे, जो हमारे ड्रग जो है यूरिन से बाहर निकलेंगे वो वाले। अब हम समझते हैं इसका सिंपल फंडा, यानी कि आप बेसिक समझ गए क्या होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, कैसे हमारा बाहर निकलता है। अगर हम टर्म में समझे तो मेटाबॉलिज्म को जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से भी जानते हैं। बायो मतलब हमारी बॉडी के अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि किसी भी ड्रग का एक केमिकल फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होना ही हमारा क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसका मेन एम हमारा क्या था वो हमने देख लिया कि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं उसको हम वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करें, जिससे क्या हो जाएगा कि वो जो ड्रग होंगे हमारे लिपिड से बायो हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होंगे, जिससे वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल सके। अब बेसिकली यहां पे हमारी जो है तीन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो अगर हम इसको समझे तो पहला हमारा जो है लिपिड सॉल्युबल ड्रग से वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो रहा है, यही हमारा मेन है। एक्चुअल में हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसका मेन काम ही यही है कि वो वाटर सॉल्युबल बनाए, यानी कि उसकी पोलैरिटी को इंक्रीज करे, जिससे वो हमारा ड्रग जो है बाहर निकल सके। मेन फंडा इसका यही है। दूसरा हमारा ये होता है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग से हमारा वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि सिंपल इतना सा फंडा है कि जैसे हमने यहां पे देखा कि हमारा कोई भी ड्रग है वो अगर हमारा एक्टिव फॉर्म में है, जैसे ये हमारा ड्रग है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में होगा तो ये हमारे रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा और अपना फार्माकोलॉजी का रिएक्शन शो करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ये क्या ट्राई करता है कि इस ड्रग को जो एक्टिव फॉर्म में होता है इसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, और इनएक्टिव फॉर्म हमारी ड्रग क्या होगी, अपना फार्माकोलॉजी का रिस्पॉन्स नहीं देगी। तो इतना सा फंडा जमा होता है कि हमारा जो ड्रग है वो हमारे एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे तीसरा टर्म एक ये आता है कि कई हमारे ऐसे ड्रग हमको होते हैं जो क्या होते हैं पहले से इनएक्टिव होते हैं, यानी कि जब हम अपनी बॉडी में दे रहे हैं उस टाइम पे वो इनएक्टिव है, लेकिन जब उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी देन वो हमारे इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये है कि जैसे कुछ ड्रग्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे साइड इफेक्ट कॉज करते हैं, यानी कि ज्यादा अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि हम उनको देते हैं ऐसे ड्रग जो इनएक्टिव फॉर्म में हो, तब वो हमारे मेटाबॉलिज्म होने के बाद हमारे क्या करते हैं एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उस कंडीशन में क्या है कि उनका ज्यादा इफेक्ट शो नहीं हो पाता। जैसे मान लो यहां से हमारा इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो उन्हें जो ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है कि वो मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाए, तो कम टाइम की वजह से वो जो अपना कम एक्शन शो करते हैं, और ऐसे टाइम पे हमको जो ड्रग थे उनका हमें कम एक्शन ही चाहिए था, हमको ज्यादा एक्शन वाले नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे साइड इफेक्ट कॉज कर सकते थे। तो ऐसे ड्रग्स हमारे कहलाते हैं प्रो ड्रग, जो हमारे पहले से इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं लेकिन बाद में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतना सा फंडा था। अब हम बात करते हैं कि यही हमने यहां देखा कि ऐसा नहीं है कि सारा ड्रग हमारा लाइपोफिलिक नेचर का होता है, कुछ हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का भी होता है, तो वो हमारा जो इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू, और इसको हम बोलते हैं जैसे हमारा एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और इसमें जो है हमारा मतलब अनचेंज फॉर्म में हमारा ड्रग जो है बॉडी के अंदर से बॉडी के बाहर निकल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी मेटाबॉलिज्म है वो हमारी बॉडी में कहां कहां हो रही है, तो इसको हम अभी समझेंगे। तो जो हमारी मेटाबॉलिज्म है वो हमारी प्राइमरी साइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है वो हमारी कहां होती है, लीवर पे होती है। देन हमारे बाकी के जो सबस्टांस जैसे हो गए, बाकी के जो ऑर्गन हो गए जैसे किडनी हो गए, इंटेस्टाइन हो गए, लंग्स हो गए, प्लाज्मा, तो इनमें भी हमारी मेटाबॉलिज्म होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारी होती है वो हमारी होती है लीवर में। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, जैसे आपने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, एब्जॉर्प्शन में, तो अगर हमारा कोई भी ड्रग फर्स्ट पास से जाता है तो वो हमारा पहले लीवर में पहुंच जाता है, और लीवर में क्या हो जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म की वजह से जो हमारा एक्टिव ड्रग है वो हमारा इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वजह से उसका जो अपना असर वो नहीं दिखा पाता है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जो हमारा ड्रग डायरेक्ट हमारा आईबी में पहुंच रहा है वो हमारा मतलब बहुत अच्छा शो करता है, लेकिन एक बात हमको ये भी पता है कि हमारा सिस्टम ऐसा है पूरी बॉडी का कि वो घूम फिर के हमारा आना हमारे लीवर में भी है, मतलब पूरी बॉडी में हर तरफ वो घूमना ही घूमना है। तो वही ड्रग है कि जब कोई ड्रग अपना एक्शन देने के बाद हमारी बॉडी लीवर में वापस आता है तो वो लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देगा, और देन वो हमारा जो है हमारी किडनी या यूरिन के सारे हमारा बाहर निकल जाता है। सिंपल फंडा है। अब ये जो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारी दो प्रोसेस से होती है, यानी कि दो फिनोमेना में आते हैं, एक हमारा आता है फेज वन रिएक्शन और एक हमारे आते हैं फेज टू रिएक्शन। अब इनको हम समझ लेते हैं, तो एक हमने ये भी देखा था, एक मतलब तीन पाथवे वैसे ये फॉलो कर रहा है, एक हमारा जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं वो तो हमारे डायरेक्टली बाहर निकल ही जाते हैं। फेज वन में क्या हो रहा है कि हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो रिएक्शन जैसे हमारी ऑक्सीडेशन होगी, हाइड्रोलिसिस होगी, रिडक्शन, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारा फेज वन के जो भी मतलब ड्रग होते हैं उन ड्रग को उनमें मतलब एक पोलैरिटी उनकी इंक्रीज कर देते हैं, और पोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली ये है कि अगर उनकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी इसका मतलब वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वो हमारे इजीली जो है यूरिन से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो हमारी फेज वन है इसमें हमारी जो ड्रग्स हैं उसको हम जो है पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, और पोलैरिटी इंक्रीज करने के लिए
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं और रिडक्शन, ये तीन रिएक्शन हम कराते हैं। बाकी और भी होती है जो हमारी मोस्ट ऑफ द होती है वो हमारी यही होती है। और इसमें हम जो एंजाइम्स का भी मतलब बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हमारे लगते हैं, उसको भी हम अभी देखते हैं। बाकी बात करें हम फेज टू रिएक्शन की, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारी एक तो फेज वन से हमारी फास्ट होती है, क्विक होती है, और इसमें होती है हमारी कंजुगेशन। और कंजुगेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा ड्रग होता है, इसमें हम क्या करते हैं और ज्यादा मतलब इसके स्ट्रक्चर को एक तरह से हम चेंज कर देते हैं। और चेंज करने की वजह से क्या होता है, जैसे हमने मान लो यहां पे और एक दो ग्रुप हमने अटैच कर दिए ट्रिप में, तो ग्रुप अटैच होने की वजह से क्या होगा कि ये हमारा एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कंप्लीटली। और इनएक्टिव फॉर्म में अब देखो ये वाला हमारा सिंगल होता तो इसमें रिसेप्टर पे जाके लगता, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया तो ये रिसेप्टर पे जाके तो लगेगा नहीं, और अगर ये रिसेप्टर पे जाके नहीं लगेगा तो ये हमारा असर भी शो नहीं करेगा। और यही हमारा होता है फेज टू में, कि फेज टू में कंजुगेशन हो जाते हैं। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, डीफॉर्मेशन इन शेप, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो ड्रग है उसका शेप ही इसमें चेंज कर देते हैं, और शेप चेंज होने की वजह से वो हमारा जो है रिसेप्टर के साथ अगेन बाइंड होगा नहीं और वो अपना कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करेगा। तो ये हमारी थी फेज टू रिएक्शन में। अब ऐसी भी बात आती है कि फेज वन हमारा कन्वर्ट कर जाए तो कुछ रिएक्शन हमारी ऐसी होती है, कुछ ड्रग्स जो मतलब अगेन जैसे हमारा फेज वन जो है मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है। मेटाबोलाइट्स हमारा कोई भी वो ड्रग है जो हमारा मेटाबॉलिज्म के बाद जो भी मतलब हमारी चीज फॉर्म होते हैं, जो बनता है, वो हमारा ड्रग है। जैसे अगर हम सिंपल माने कि ये हमारा कोई ड्रग है और इसके अगर हम मेटाबॉलिज्म कराएंगे तो ये हमारा इनएक्टिव सॉरी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये चीज जो हमारी होगी ये हमारी कहलाती है मेटाबोलाइट्स। ठीक है फ्रेंड, तो यही सिंपल है कि यहाँ पे जैसे मान लो ड्रग हमारा फेज वन के द्वारा मेटाबोलाइज्म में कन्वर्ट हुआ और ये हमारा जो है एक्सक्रीट आउट हो गया इजीली, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, वाटर सॉल्युबल हो गया। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे कम वाटर सॉल्युबल हो पाते हैं फेज वन में, जैसे उनकी मतलब पोलैरिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो हमारे अगेन फेज टू रिएक्शन में आ जाते हैं। और फेज टू रिएक्शन में हमारी कंजुगेशन यानी कि ये हमारा एकदम सटीक है, इसमें कोई भी ड्रग होगा उसकी भाई मतलब ऑटोमेटिक हो ही जाएगी, यानी कि इसमें जो हमारा ड्रग होगा वो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारा पोलैरिटी उसकी भड़ के और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल ही जाएगा। और निकलेगा कैसे, एक्सक्रिएशन और हमारे हो गए थ्रो यूरिन के सारे और बाइल एसिड वगैरह में भी बाहर निकलती है। अब हम बात करते हैं कुछ और, तो जिसमें हमारे जो एंजाइम्स हेल्प करते हैं, ये हमारे एंजाइम्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द हमारे लीवर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कहां प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमारे कुछ जैसे किडनी हो गई, लंग्स हो गई, तो ये भी हमारी एक्सक्रिएशन कर रहे हैं। हमने यहां पे देखा कि जो हमारी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म हमारे मोस्टली ड्रग लीवर है, लेकिन कई बार हमारा किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स और प्लाज्मा, इसमें भी हमारा थोड़ा थोड़ा ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होता रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो बात करते हैं यहां पे, तो हमारा लीवर में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो हमारे जैसे होते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम्स, और भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमारी मेटाबॉलिज्म करता है वो हमारा एंजाइम्स होता है माइक्रोसोमल एंजाइम, और जिसमें हमारा आता है साइटोक्रोम P450। तो ये हमारा मतलब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बड़े में आता है, लेकिन वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आता है। तो इन टर्म को यानी कि हम जो मेटा ये हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम्स हो गए, साइटोक्रोम P50 हो गए, और जो हमारी इनकी रिएक्शंस थी, जैसे हमने यहाँ रिएक्शन देखी कि ये हमारी रिएक्शन थी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, इन सबको जो हमने मेडिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अच्छे से और डीपली स्टडी करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इन एंजाइम्स की मदद से हमारे मतलब इजिली कर सकते हैं, और जो हमारे ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि लीवर की ये वाली जो सेल्स होती हैं इनके अंदर ही हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं अगर रिएक्शन की, तो यहाँ पे जो फेज वन है इसमें हमारा जो ड्रग है वो हमारा एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी मतलब हाइपोफिलिक से हमारा हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट हो रहा है, और इसकी जो पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, और इसमें जो हमारी रिएक्शन हेल्प कर रही है वो हमारी होती है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। और हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और हाइड्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, पानी की एडिशन करते हैं, यानी H2O की। अगर हम एक एग्जांपल समझे तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेट करो कि ये हमारा कोई एस्पिरिन है, सॉरी एस्पिरिन ड्रग है, और हमने क्या किया यहां पे इस ड्रग को मतलब ये हमारा चेंज कर देता है और यहां पे हमारा OH ग्रुप अटैच हो गया। और OH ग्रुप हमारा क्या होता है, अगर हम यहां पे सिंपल देखो, जहां पे जितने ज्यादा OH ग्रुप लगे होंगे वो कंपाउंड हमारा उतना ज्यादा पोलर होगा। तो यहां हमारा OH ग्रुप लगा और OH की वजह से क्या हो जाता है, ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और ये हमारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगा हमारे किडनी के थ्रू। ठीक है, इतना ही तो हमारा फंडा था, यहां पे हमारी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस था, एंजाइम हमारा यूज हुआ है यहां पे साइटोक्रोम वाला। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा सिंपल इसका फंडा था। अब हम बात करते हैं फेज टू की, तो एक और बात है कि ये हमारे नॉन सिंथेटिक कहलाते हैं। सिंथेटिक मतलब होता है हमारा फॉर्म होना, तो यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपल क्या हो रहा है कि इसमें मतलब थोड़ा सा चेंज हो रहा है और हमारे फंक्शनल ग्रुप जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फेज टू की, तो एक तो ये हमारा फास्ट होता है, यानी कि फेज वन से कई गुना ज्यादा इसमें मतलब तेज हमारी पोलैरिटी इंक्रीज होती है और ये हमारे मोर पोलर रिएक्शन होते हैं। अब इसमें करते क्या है कि इसमें जैसे कोई भी हमारा ड्रग है तो उसमें हम कंजुगेशन कराते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कराएंगे। किसके द्वारा कराते हैं, हम कुछ इसमें एंडोजीनियस सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, जैसे हमारा हो गया ग्लूकुरोनिक एसिड, हो गया सल्फेट, हो गया ग्लाइसिन हो गया, तो इनको हम क्या करते हैं उस ड्रग के साथ ऐड कर देंगे, और इसके क्या होगा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल समझे हम, तो ये हमारा जैसे सैलिसिलिक एसिड है, अब वही मैंने बताया कि हमने इसमें दो एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे मान लो ये
फेज वन के द्वारा हमारा ये मतलब बाहर नहीं निकला पूरा, इसमें मतलब कमी है, ये हमारा लेस पोलर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगेन हम इसको फेज टू में डाल देंगे, और फेज टू में आने के बाद क्या होगा, ये हमारा ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ मतलब वाइंड अप करके, और देखो यहाँ पर ये हमारा अटैच हो गया, ये हमारा यही वाला एसिड है, ग्लूक्यूरोनिक एसिड है। और इसके साथ क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इसमें आप ये देखेंगे कि OH ग्रुप हमारे कितने ज्यादा अटैच है, और इस वजह से क्या होगा, ये हमारा मोर पोलर हो जाता है, और ये हमारा बॉडी से इजीली जो है बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी सिंपल प्रोसेस थी फेज टू वाली, और ये फेज वन वाली, और ये हमारी ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में प्रोसेस होती रहती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे हमारा बेस क्या था, होता क्या होता, बाकी हम जो है मेडिकैम में इसकी जो ये वाली रिएक्शन है कैसे ऐड हो रहा है, एक एक ही पर्टिकुलर भी हम देखने वाले हैं। तो कल की वीडियो में हम जो इसका एलिमिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बाकी नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।